वेलकम टू माय चैनल। गर्मियां शुरू हो गई तो हमने सोचा क्यों ना आइसक्रीम के मज़े लिए जाए, इसलिए हम आए हैं जोगेश्वरी। वैसे जोगेश्वरी में आइसक्रीम के काफ़ी ऑप्शंस हैं और हर एक का अपना अलग टेस्ट है, अपना अलग फ्लेवर है, किसी को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। बट हम आए हैं 51 रेनबो, जो कि जोगेश्वरी SV रोड पर है। ये प्राइड ऑफ सूरत है सिंस 1972 से और इनके काफ़ी ब्रांचेस हैं मुंबई में, गुजरात में, पुणे में, और हम आज आए हैं मुंबई के जोगेश्वरी ब्रांच में। ये फेमस है लाइव आइसक्रीम, फ्रेश फ्रूट आइसक्रीम, थिक शेक, चॉकलेट शेक के लिए। यहाँ पर रिच क्रीम यानी थिक क्रीम यूज़ किया जाता है और बहुत सारी वैरायटीज़ है और सबका अपना एक डिफरेंट टेस्ट है, डिफरेंट प्रिपरेशन। आज हम यहाँ पर दो अलग अलग फ्लेवर्स की आइसक्रीम ट्राई करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। जेली ड्राई फ्रूट्स ये कौन सा सिरप है? गुलिस्तान ज़ाफ़रान, पिस्ता। हमारी आ गई है मावा मस्ती मलाई। सो इसमें मलाई भी, इसमें चार स्पून में मिला है, इसमें मलाई आइसक्रीम, क्रीम और जेली और इसमें ड्राई फ्रूट्स और रस, जो सिरप भी डाला गया है। और मेरे बच्चे तरस रहे हैं। ओके, ये आइसक्रीम को खाने के लिए, आइसक्रीम तड़प रहे हैं। ओके, तड़प रहे हैं। और हाँ, इसमें हम लोग पहले बिस्मिल्लाह बोलेंगे। स्टार्ट करते हैं। ये नीचे क्रीम है, देखिए कितना अच्छा। ये मैं ट्राई करूंगी एक्चुअली, इसका टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाह बोल के, बहुत गर्मी है और इसका मज़ा तो बहुत आएगा ना, गर्मी में खाने का मज़ा तो कुछ और ही है। क्रंची ड्राई फ्रूट्स का टेस्ट है, आइसक्रीम का जो टेस्ट है मलाई आइसक्रीम। सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइस के हिसाब से डिशेस की क्वांटिटी प्रॉपर है, इंस्टेंट सर्विस है और स्किल्ड आइसक्रीम मेकर्स हैं। लोकेशन अच्छी है, पार्किंग स्पेस भी है यहाँ पर और फैमिली के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए, और सिटिंग कैपेसिटी भी सफिशिएंट है। इसका प्राइस है 200। ये स्ट्रॉबेरी तवा आइसक्रीम और ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी है और ये जेल सॉस है ना, स्ट्रॉबेरी क्रश, स्ट्रॉबेरी क्रश मिल्क।
स्ट्रॉबेरी क्रश है, स्ट्रॉबेरी एंड स्ट्रॉबेरी क्रश। हमारी नेक्स्ट आइसक्रीम आ गई है स्ट्रॉबेरी क्रश, स्ट्रॉबेरी तवा आइसक्रीम। और वैसे सीजन है अभी स्ट्रॉबेरी का, तो ये फ्रेश स्ट्रॉबेरी है और आइसक्रीम भी फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनी हुई है। ये लाइव बनी हुई आइसक्रीम है आपके सामने और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें और कोई कलर्स वगैरह यूज नहीं किया हुआ है। आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स वाली पैक आइसक्रीम खाने से बेहतर यही है कि फ्रेश आइसक्रीम, थिक शेक, वेफल्स आपको ज़रूर पसंद आएगा। आई होप कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और समर सीजन में आइसक्रीम के मज़े लीजिए। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।